ओके जी, तो बाइक एक बार फिर से रेडी है और यह है दिसंबर का महीना। आज है 15 तारीख और फिर से मैं निकल रहा हूँ अपने एक ट्रिप पर। और इस बार हमारा ट्रिप होने वाला है नीति मलारी की साइड को, और वहाँ जो है इस बार हम लोग करने वाले हैं कैंपिंग। फ़िलहाल अभी टाइम हो गया सुबह का 9 और मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि आज का मेरा टारगेट है जोशीमठ, तो उसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो निकलते हैं। तो ये है अपना पूरा सामान, इधर स्लीपिंग बैग, ऊपर एक ये टेल बैग, इसके ऊपर एक छोटा बैग, मैट और टैंक बैग, और निकलते हैं यहाँ से। चलो जी, ये निकले हम। आज का टारगेट वैसे मैंने जोशीमठ रखा है, पर जोशीमठ नहीं भी पहुंच पाए तो चमोली तक, मतलब चमोली तक कम से कम जाना ज़रूरी है। तो एटीएम से अभी कुछ पैसे निकाले और पेट्रोल भरवाया, टैंक फुल कराया, और ये बढ़ गए हम काठ गोदाम से ऊपर को। इसके बाद लग जाएंगे पहाड़, तो यहाँ से शुरू हो जाते हैं हमारे पहाड़ बढ़िया बढ़िया से। फर्स्ट क्लास नदी वाला व्यू है, तो आज लगातार चलते रहेंगे, स्टॉप कम लेंगे और जल्दी जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे। ओके, तो काठगोदाम क्रॉस करके हम बढ़ गए हैं भीमताल की तरफ। और हाँ, अगर मेरा पिछली सीरीज़ का केदारनाथ वाला वीडियो अभी नहीं आया होगा तो समझ जाना वो वीडियो एडिट करना मेरे लिए एक संघर्ष बन गया है। एक्चुअली हुआ ये ना कि मैं जो केदारनाथ का ट्रैक मैंने पैदल पैदल किया, तो उसमें ना मैंने कुछ बोला नहीं, मैं बस वीडियो रिकॉर्ड करते हुए चलता रहा। तो अब जो है घर में मेरे लिए उस वीडियो को वॉइस ओवर करना बड़ा संघर्ष बन गया है। मैं मतलब अच्छी वर्डिंग्स नहीं मिल पा रही है ना मुझे उसको वॉइस ओवर करने के लिए। तो अगर ये मेरा इस ट्रिप के दौरान वो वीडियो एडिट हो गया होगा तो आ जाएगा, और नहीं हुआ होगा तो अभी मेरी फ़िलहाल ये सीरीज़ शुरू होगी और केदारनाथ वाला वो वीडियो या तो बाद में आएगा या फिर नहीं आएगा। फिलहाल ये नई सीरीज़ हमारी शुरू हो गई है नीति मलारी की, जहाँ हम जा रहे हैं कैंपिंग के लिए। और इस बार मैं अकेले नहीं हूँ, हमारे संग होने वाले हैं इस बार निशांत भाई, निशांत व्यूज़ वाले। तो वो कल निकल चुके थे दिल्ली से, और कल पहुँचे थे वो क्या नाम बताया था, कोई नाम बताया था जगह, मैं नाम भूल गया हूँ, बियासी पे पहुँचे थे वो। तो आज वो वहाँ से आगे को बढ़ेंगे और मैं यहाँ से कर्णप्रयाग की तरफ बढ़ूँगा। अभी उनका मैसेज आया था वो पहुँच गए हैं देवप्रयाग, और मैं भी यहीं भीमताल पहुंचने वाला हूं। तो यह है भीमताल लेक, बढ़िया सी लग रही है। यहां पे काफ़ी टाइम से रोड का काम चल रहा था, तो ये इधर वाली रोड ही बंद कर रखी थी, बाईपास से जाना हो रहा था, तो अब जो है बढ़िया बना दी है। ओहो, थोड़ा सा चौड़ी भी हो गई है यार अब रोड, पहले जो है थोड़ा पतली होती थी और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक फंसता था, और अभी भी ट्रैफिक थोड़ा बहुत तो फंस ही रहा है। ये पहुँचे हैं हम कैंची धाम मंदिर, भीड़ तो हमेशा रहती है यहाँ। ये पहुँचे हम खैरना, अब यहाँ से रानीखेत को कट जाएंगे सीधे अल्मोड़ा। ओहो, अभी तक ना इतना ट्रैफिक में फंस के आया हूँ, ट्रैफिक में फंस के आया हूँ यार। उम्मीद है अब ट्रैफिक नहीं मिलेगा, अब जल्दी जल्दी चलते रहेंगे। पहले हल्द्वानी में ही ट्रैफिक मिल गया, फिर भीमताल में मिल गया, फिर भवाली पे मिल गया, अभी यहाँ गर्म पानी खैरना पे भी लगा हुआ था, और अब बढ़ रहे हैं ये रानीखेत की तरफ को। और ये सुबह सुबह का मस्त नज़ारा, सुबह सुबह तो नहीं, ये 11 बज गए मेरे ख्याल से। और अभी तक मैं रानीखेत ही पहुँचा हूँ, पर कोई नहीं, अब चलेंगे गोली और जल्दी पहुंचेंगे। ये इधर सामने लगा रखी है बाइक, और वो उधर कहीं पे देखो खेत बड़े अच्छे से लग रहे हैं, कुछ वहाँ पे अलग अलग रंग के कपड़े लगा रखे हैं जो बड़े ही मस्त लग रहे हैं। तो बस ये एक छोटा सा ब्रेक था और इसके बाद बढ़ रहे हैं आगे की तरफ को। तो ये रानीखेत पहुँचे हैं हम और क्रॉस कर रहे हैं, इसके बाद कहीं रास्ते में रुकेंगे नाश्ते के लिए। देखो यहाँ पे खड़ी है बाइक, यहाँ पे एक ये फूड वैन है,
इसी में मैं थुप्पा और मोमो ले रहा हूँ। एक्चुअली खाना भी दिख रहा था यहाँ, कढ़ी चावल, राजमा चावल वगैरह, लेकिन वो है नहीं, अभी बनाया नहीं है। तो एक हाफ़ प्लेट मोमो, हाफ थुप्पा, और चाय पी के फिर बढ़ेंगे आगे को। तो अभी अभी नाश्ता किया है, जिसमें हमने खाया था हाफ मोमो, जो कि उतना कुछ खास नहीं हो रहा था, मज़ा नहीं आया। और दूसरा खाया थुप्पा, थुप्पा सही था, बढ़िया था। और इसके अलावा एक चाय पी और बढ़ गए हैं आगे को। अब खाना होगा सीधे शाम को, बस कर्णप्रयाग टाइम से पहुंच जाऊं। फिलहाल मेरा गूगल मैप दिखा रहा है कि 4:30 बजे के आसपास पहुंचेंगे। क्या है कि निशांत भाई वहां जल्दी पहुंच जाएंगे, उनका डिस्टेंस बहुत कम है बियासी से कर्णप्रयाग का, तो उनको वेट करना पड़ेगा मेरा। ये चले जाती है रोड मछखाली, अल्मोड़ा वगैरह, और ये सीधे जाती है द्वारा हाट, चौखुटिया, कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग 127 दिखा रहा है यार अभी। तो ये गगास क्रॉस करके हम लोग बढ़ गए हैं द्वारा हाट की तरफ। द्वारा हाट पहुँचने ही वाले होंगे थोड़ी देर में, फिर वहाँ से कटेंगे चौखुटिया के लिए। तो जी यह है चौखुटिया, और चौखुटिया क्रॉस कर रहे हैं। यह चौखुटिया के हरे हरे खेत, बढ़िया से सामने पहाड़, बढ़िया नज़ारा हो रहा है यार यहाँ का। बाकी निशांत भाई पहुँच गए हैं कर्णप्रयाग, अभी फ़ोन आया था उनका, तो मैंने उनको बोला कि चमोली जाके चमोली पे ले लेना रूम, मेरे को तो कर्णप्रयाग पहुँचने में भी टाइम लगेगा ना, तो वो पहले कर्णप्रयाग लेने की सोच रहे थे रूम। ये हो गया है हमारा चौखुटिया क्रॉस। अब यहाँ से कर्णप्रयाग तक ये थोड़ा सा एक लंबा पैच है, लगभग 70 से 80 किलोमीटर का। पतली पतली रोड है यहाँ, ज़्यादा चौड़ी नहीं है, हालांकि गाड़ी सही भागती है, ऐसा बहुत स्लो तो नहीं रहती है। रोड पतली है पर अच्छी है। गैरसैंण की तरफ को बढ़ रहे हैं, 17 किलोमीटर है यहाँ से अभी। पानी की प्यास लग रही है यार, पानी नहीं रखा है मैंने। अब एक काम करते हैं, कहीं पे चाय ब्रेक करते हैं, वहीं पानी भी पी लेंगे। अभी बोतल खरीद के क्या करूँगा। आहा, अचानक ढाबा, चलो यहीं पीते हैं चाय, पिछले बार भी यहीं रुका था मैं, बहुत देर से सोच रहा था चाय पीने की। तो अभी अभी अचानक ढाबा पे एक चाय पी है अचानक से ही, और अचानक से ही आगे को बढ़ गए हैं फिर से। गैरसैंण है यहाँ से 13 किलोमीटर, और अब मैंने ग्लव्स भी पहन लिए हैं और फेस पे भी बलकलावा डाल लिया है, और अब सही हो रहा है। अभी तक थोड़ा सा ठंडा ठंडा जैसा लग रहा था ना हाथों में, चेहरे में। ये पहुँचे हैं हम गैरसैंण, और इसके बाद आएगा आदिबद्री, और फिर 20 किलोमीटर बाद लगभग आएगा कर्णप्रयाग, आदिबद्री के 20 किलोमीटर बाद। ओके भैया, ये एक स्टॉप और लिया है हमने, यहाँ पे चाय पियेंगे फिर बढ़ेंगे आगे को। चलो जी, एक बढ़िया सी चाय पी, और साथ में मैंने यहाँ पे चने भी खा लिए थे, सुबह खाली वो थुप्पा और मोमो खा रखा था ना। और फिलहाल निशांत भाई पहुँच गए हैं चमोली, और मैं भी लगभग 6 बजे तक पहुँच जाऊँगा चमोली, 5:30-6 बजे तक। बाकी 6 बजे के बाद फिर अंधेरा भी होने ही लग जाता है, ठंडा भी होने ही लग जाता है, तो ठीक है चमोली आज। उन्होंने रूम ले लिया है वहाँ पे, बस मेरा पहुँचना बाकी है। 69 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से होटल, जहाँ पे रूम ले रखा है निशांत भाई ने, तो अब कोई टेंशन नहीं है, आराम से चलते रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग पहुँचने वाले हैं आदिबद्री, और 6-7 किलोमीटर यहाँ से रह गया है। और ये देखो, ये कोई नई रोड कटी है ऊपर को, गांव वगैरह को जाती होगी ये।
ये पहुंचे हम आदि बद्री। पिछले बार मैं मंदिर छोड़ दिया था यार, मेरा मुझे पता ही नहीं चला। इस बार देखते हुए चलना है। क्या एक बार फिर से छोड़ दिया गया मेरा? इससे पीछे था क्या वो? अरे यार मंदिर तो छोड़ दिया लग रहा है, मुझे लग रहा है जहाँ पे मुझे ध्यान आया उससे पहले था वो। चलो कोई नहीं, अब चलते रहते हैं, वापसी में देखते हुए जाएंगे। सिमली 1 किलोमीटर। एक नहीं यार 10 होगा, वो 0 मिटा रखा है उसमें से। सिमली 10 किलोमीटर, यहाँ पे आया 10 किलोमीटर का, वहाँ पे वो 11 होगा। तो ये आ गया है ग्वालदम वाला बेंड और इधर से कर्णप्रयाग, जो ग्वालदम वाला बेंड है वो हम अगर अल्मोड़ा होते हुए आते ना कर्णप्रयाग के लिए तो वहाँ से आते, वो थोड़ा सा लंबा पड़ता है इसलिए मैं यहाँ से आता हूँ। ओके जी, अब पहुँच जाएंगे हम कर्णप्रयाग। उससे पहले आएगा सिमली। सिमली नाम सुन के ना मेरे को ये हिमाचल में जो शिमला है उसकी छोटी बहन लगती है सिमली। तो जी ये पहुँच गए हैं हम कर्णप्रयाग, अब चलना है हमें यहाँ से चमोली की तरफ। ये आ गए हम जोशीमठ वाली रोड पर। कर्णप्रयाग के बाद तो ये ज़बरदस्त हाईवे लग जाता है, बढ़िया वाला, गोली भागती है इसमें गाड़ी। बाकी यह है कुछ व्यू इधर का नदी वाला। मैं सोच रहा हूँ एक बार गाड़ी रोक के गूगल मैप में चेक कर लेते हैं कितने दूर होटल है, क्या है, पता चल जाएगा ना। 29 किलोमीटर, चलो अभी तो बंद कर लेते हैं। तो 29 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से होटल, आराम से पहुँच जाएंगे। रोड भी चक्कू है एकदम। वाह क्या व्यू आ रहा है, मस्त एकदम बढ़िया सा। तो जी चमोली पहुंचने वाले हैं हम, बाकी ठंडा तो होने लगा है यहाँ। अच्छा हुआ मैंने ग्लव्स और ये सब डाल लिया था। तो हम पहुंचने वाले हैं चमोली और यहाँ से होटल जो निशांत भाई ने ले रखा है वो दिखा रहा है 4.1 किलोमीटर, 8 मिनट का रास्ता है, यानी कि पहुंच गए। नीचे देखो यार कितना बढ़िया लग रहा है, ये नदी और वो ब्रिज, यहाँ पे ये सारा शहर लाइटों से भरा हुआ, बहुत ही मस्त नज़ारा आ रहा है, मज़ा ही आ गया मतलब। बाकी हमारा रास्ता बचा है 5 मिनट का, 2.2 किलोमीटर। गोपेश्वर 10, केदारनाथ 130, बद्रीनाथ 94, गोविंद घाट 69। हमें जाना है ऊपर को, नीचे वाला जा रहा है केदारनाथ। गोपेश्वर, केदारनाथ, मदमहेश्वर, रुद्रनाथ सब नीचे जा रहा है। बस 1 मिनट का रास्ता बचा है, 700 मीटर, 400 मीटर, 350, 290, बस यही कहीं होगा, 220, 200। क्षेत्रपाल है ये जगह का नाम। 90 मीटर, ये होगा, हेलो, यही है, हेलो, बस बढ़िया। लो फिर आप ये ले जाओ, मैं इसको खोल लाता हूँ। ओके तो अभी टाइम हो रहा है रात का 10 और अभी मैं हूँ चमोली पे होटल में, और यहाँ पहुँच गया था मैं लगभग 6 बजे के आसपास, और उसके बाद यहाँ आने के बाद चाय वगैरह पी के फिर हमने थोड़ी देर में खाना वगैरह खा ही लिया था, जिसमें हमने खाई थी रोटी और अंडा करी।
बाकी इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि आज हमें यहाँ पे निशांत भाई मिलने वाले हैं और इनके संग हमारा आगे का जो है ट्रिप होने वाला है, तो निशांत भाई फिलहाल हमारे साथ हैं। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? तो मैं मनीष भाई से पहले एक बार मिल चुका हूँ हल्द्वानी में, तब हम सिर्फ मिले थे, मतलब ऐसे कुछ राइड वाइड कुछ नहीं करी थी, सिर्फ मिले थे। तो फाइनली इस बार जो है हम साथ में राइड कर रहे हैं, तो मैं इधर की साइड आ रहा था, इनसे मैंने बात करी, उनका भी प्लान था, तो हम लोग साथ में मिल गए। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं कल नीति वैली, तो देखते हैं आगे क्या जर्नी रहती है, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होने वाली है, बर्फ़ का पूरा अनुमान है और रात को -16 में जा रहा है टेम्परेचर, तो कैंपिंग कैसे होगी वो तो कल ही पता चलेगा। फिलहाल जो है अपनी चाय बन रही है, चाय चाय पी के फिर अपन सो जाएंगे। तो वैसे अभी मेरा मूड हो ही रहा था चाय पीने का, और जो है यहाँ तो रात को पहाड़ों में सब कुछ जल्दी बंद हो जाता, तो यहाँ भी होटल वगैरह सब बंद हो गया था पहले ही। तो अभी निशांत भाई खुद ही बोले कि यार चाय पीने का मूड है क्या, मैंने कहा बिल्कुल पियेंगे। तो अभी यहाँ पे फिलहाल ये हमारी चाय रेडी हो रही है और चाय पीते हैं, और बस आज के वीडियो में इतना ही।